हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। हमें से बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ट्रेंडिंग क्लासेस में डालना चाहते हैं, जैसे आजकल कोडिंग का ट्रेंड चल रहा है और स्टडीज, डांस, स्पोर्ट्स, इवन चेस, मतलब हर चीज का ट्रेंड है। और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बहुत सारी क्लासेस में एनरोल करवा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों को सब कुछ आना चाहिए और आना चाहिए और उनमें अच्छा भी होना चाहिए। इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एक्सट्रीम पे आते हैं ऐसे पेरेंट्स जो अनश्योर हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सी क्लास में डालें बच्चे को, और बच्चे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट एग्जैक्टली है किस तरफ, क्योंकि उनको भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होते हैं। यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकता है DMIT। DMIT इज डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये ब्रेन मैपिंग है। DMIT इज अ साइकोमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हमारी आज की गेस्ट DMIT कंसल्टेंट खुशी हिंदुजा आपको डिटेल में बताएंगी। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो DMIT के अगेंस्ट हैं, जो कहते हैं कि DMIT क्या पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, कि हाउ कैन इट टेल यू अबाउट योर ब्रेन। तो इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। को अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में अगर पता करना है तो यू कैन कंसिडर DMIT, इट इज अप टू यू। तो आई वुड से कि आप इस एपिसोड को सुनिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy Bhartiya Nari. This is Maitri, main aur mere guest share karte hain simple practical ideas jo aap easily follow kar sakte hain to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So Little Fixes पे आज हमारे साथ हैं खुशी हिंदुजा। तो खुशी is a DMIT consultant and a parent educator. अब आप सोच रहे होंगे कि ये DMIT क्या होता है। तो ये बड़ा साइंटिफिक सा प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा सा इसका फुल फॉर्म है, तो ये सब हम जानेंगे खुशी से ही। सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स वेलकम खुशी ऑन लिटिल फिक्सेस। हाय खुशी। हेलो मैत्री, कैसे हो आप? वेरी वेल, एंड वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन लिटिल फिक्सेस। तो अभी मैंने बताया कि यू आर अ DMIT कंसल्टेंट, तो लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे DMIT क्या होता है, तो हमें बताइए कि क्या होता है। पहले तो मैत्री मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया एंड इस बारे में डिस्कशन और अवेयरनेस इनफैक्ट क्रिएट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी, सो थैंक यू सो मच। एंड हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सो हेलो एवरीवन। सो DMIT का थोड़ा साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सो जो एक बहुत ही सिंपल अगर मैं वर्ड्स में कहूँ तो इट इज ब्रेन मैपिंग, एंड इसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी कहा जाता है। सो दिस इज व्हाट डर्मेटोग्लाइफिक्स इज ऑल अबाउट। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है? ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, लाइक व्हाट्स द कनेक्शन? ओके, तो मैत्री एक्चुअली ये बहुत ही एक साइंटिफिक प्रोसेस है। एक्चुअली इट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी बिकॉज ये एक मिथ है और कई बार बोलते हैं लोग कि यू नो कि डोमेटोग्लाइफिक्स एक्चुअली शायद एस्ट्रोलॉजी होगा, मगर जैसे मैंने कहा ये टर्म डोमेटोग्लाइफिक्स, तो डर्मा मीन्स योर स्किन एंड ग्लाइफिक जो आपको लाइन्स आपके फिंगर टिप्स पे दिखाई देती हैं जो बहुत ही विजिबल हैं, अगर आप नेकेड आई से भी देखोगे तो दिखती हैं ये कई बार लकीरें, तो दिस इज व्हाट डर्मेटोग्लाइफिक इज ऑल अबाउट। एंड ये जो ब्रेन एंड फिंगरप्रिंट्स का जो कनेक्शन है सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, बिकॉज ब्रेन एंड द फिंगर टिप्स दे डेवलप साइमल्टेनियसली इन द मदर वूम, ओके, ड्यूरिंग द 13th वीक टिल द 19th वीक। तो ये प्रोसेस जो है ये ऑलरेडी एम्ब्रियो में होता है, उसके बाद जो है जब बेबी बॉर्न होता है तो ये फिंगर टिप्स कभी भी नहीं चेंज होते हैं। सो दिस इज अगेन मतलब मैं कई बार जब लोगों को कहती हूँ कि फिंगरप्रिंट एनालिसिस है तो ये क्वेश्चन मुझे कई बार मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि बट खुशी फिंगरप्रिंट्स तो चेंज होते हैं राइट? तो नहीं, दिस इज जस्ट अ मिथ, फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होते। ओके, तो फिंगरप्रिंट्स ठीक है चेंज नहीं होते, लेकिन ब्रेन तो चेंज होता है ना, ब्रेन तो डेवलप होता है जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, तो फिर और मे बी नर्व से ब्रेन और फिंगर टिप्स कनेक्टेड भी होते होंगे, बट ब्रेन तो डेवलप हो ही रहा है और फिंगरप्रिंट नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो फिर ये कैसे कनेक्ट कर पाते हो और एग्जैक्टली किया क्या जाता है DMIT में?
सो ये प्रोसेस कैसा है ना मैत्री, ये जैसे मैंने कहा फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होते, लेकिन जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, यस द ब्रेन साइज डज ग्रो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, तो ये एट बर्थ सिचुएशन की रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक आप कह सकते हो कि एक तरह की गाइडलाइन होती है पेरेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर समझने के लिए. तो ये जो है एक डायरेक्शन आपको मिलती है कि ओके, अभी कई बार जैसे मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि यू नो खुशी मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन फोकस नहीं लगता, या फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि खुशी मेरे बच्चों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या फिर कई बार पेरेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि खुशी मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो, और जब पीटीए मीटिंग्स होती हैं, तो मेरे टीचर्स हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत सारा सवाल पूछता है. तो जितने भी आपको आंसर्स हैं इन सब की, ये आपको डीएमआईटी के थ्रू पता चलती है. ओके तो लेकिन कैसे कनेक्ट होता है, क्या जैसे ब्रेन है हमारा वो हम ग्रो होते जा रहे हैं तो ब्रेन चेंज हो रहा है और फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो फिंगरप्रिंट्स कैसे हमारी पर्सनालिटी बता पाते हैं, जो हमारा इनबॉर्न बिल्कुल जब हम पैदा ही हुए थे जो वो वाला ब्रेन होता है वही हमारी पर्सनालिटी डिसाइड करता है, और जो हमारा एनवायरमेंट है जहाँ हम ग्रो हो रहे हैं उसका इफेक्ट अलग होता है, तो क्या कैसे कनेक्ट कर पाते हैं फिर? ओके, तो हम सबको पता है एक्चुअली ब्रेन में दो साइड होते हैं, एक राइट ब्रेन होता है और एक लेफ्ट ब्रेन होता है, दो ज्यादा टू ब्रेन हेमिस्फीयर्स, करेक्ट. एंड जो ब्रेन के जो साइड है राइट एंड लेफ्ट, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लोब्स, राइट. तो जो राइट ब्रेन है वो डायरेक्टली हमारे जो लेफ्ट हैंड है उनसे कनेक्टेड रहते हैं, जो फिंगर्स है हमारे, एंड जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट फिंगर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. सो दैट इज हाउ द 10 लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड द 10 फिंगर्स ऑन योर हैंड्स. तो ये जो 10 मल्टीपल इंटेलिजेंस है बेसिकली जो हमारे 10 फिंगर टिप्स पे है, दैट इज व्हाट डीएमआईटी इज ऑल अबाउट. सो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से ये समझाना चाहूंगी. सो जो हमारा लेफ्ट थंब है, ओके, दिस टेल्स अस अबाउट योर इंट्रापर्सनल, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉरी, इट टेल्स यू अबाउट योर इंटरपर्सनल स्किल्स. आप जिस तरह से लोगों के साथ बाहर बर्ताव करते हो, योर फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल दैट. ओके, अभी आपका जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, दैट टेल्स यू अबाउट योर होलिस्टिक स्पेशल इमेजिनरी स्किल्स. आपकी प्लानिंग किस तरह से करते हो आप, यू नो, आपकी लॉन्ग टर्म की सोच कैसी है, राइट. देन योर लेफ्ट मिडिल फिंगर, इट टेल्स यू अबाउट योर लार्ज मोटर स्किल्स, आपके जो सारी जो बॉडी मसल्स है, आप डांस में किस तरह से हो, आपका जिम्नास्टिक कैसा है, आपका स्पोर्ट्स आस्पेक्ट कैसा है. Okay, it tells us about that. Then your left जो ring finger है, वो हमारे musical skills को define करती है, listening skills, musical skills, right? And जो left little finger है, वो हमारे visual observations है, जो हमारे graphics observation है, उसको define करती है, उसके बारे में बताती है. Okay, now coming to your right hand. तो जो right thumb है, it tells you about your intrapersonal skills, your intrapersonal relation, as in आप कैसे हो खुद के साथ, आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है आपके, वो कैसे हैं, राइट. देन योर राइट इंडेक्स फिंगर, ये आपके मैथमेटिकल स्किल्स, आपके रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, इन सब के बारे में बताती हैं. ओके, योर राइट मिडिल फिंगर, ये आपको जो है आपके फाइन मोटर स्किल्स, आपके जो कलिनरी स्किल्स है, चॉपिंग कटिंग है, बच्चों की राइटिंग स्किल्स है, ड्रॉइंग वगैरह है, स्केचिंग है, ये सब के बारे में हमें पता चलता है. ओके, द राइट रिंग फिंगर जो है, ये हमारे जो है वो वोकैबुलरी और लैंग्वेज स्किल्स को बताती है. एंड जो लिटिल फिंगर है, राइट लिटिल फिंगर, ये हमारे नेचुरलिस्टिक पोटेंशियल, यानी कि हम हमारे वातावरण में जो है, हमारे पेट्स के साथ, फूल, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, क्लाउड्स, इन सब के बारे में बताते हैं. सो इट्स अ कंप्लीट पर्सनैलिटी, इट्स अ कंप्लीट बायोमेट्रिक टेस्ट, एंड दैट इज हाउ द ब्रेन एंड द फिंगर टिप्स, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड. ओके, ठीक है, तो कनेक्शन हो गया, और ये भी हमें पता चल गया कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसके ट्रेट्स होते हैं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, और इस तरीके से हम उनके फिंगरप्रिंट्स देख के पता कर सकते हैं कि उनके ब्रेन में जो भी है, जो भी उनके ट्रेट्स हैं वो हमें पता चल जाते हैं. तो इनके पीछे कोई ऐसा एविडेंस या मे बी कोई रिसर्च है जो आप कोट कर सकते हो जिसने ये प्रूव किया हो कि जो भी डीएमआईटी के रिजल्ट्स होते हैं दे एक्चुअली डू make sense, या फिर they are actually true? Yeah. So actually, अगर आप सर्च भी करेंगे ना मैत्री जी, तो काफी सारे रिसर्चेस अवेलेबल हैं. लेकिन जो बहुत अगर आप डोमेटोग्लाइफिक्स की बात करते हैं तो
टू वेरी वेरी फेमस नेम्स जो है हमारे सामने हमेशा आते हैं, उनका जिक्र हमेशा किया जाता है. एक है हैरल्ड क्यूमिंस करके एक जो एक थे साइंटिस्ट, उनका नाम आता है. एंड दूसरे हैं डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी हुई थी. सो ये जो हमारे आप कह सकते हो गॉडफादर ऑफ ऑटोमेटोग्लाइफिक्स या मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इन दो लोगों का, फेमस साइंटिस्ट का नाम हमेशा सामने आता है. एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली, तो मैंने जितनी भी काउंसलिंग करी है मेरे क्लाइंट्स के, तो उनके साथ मैं हमेशा वन टू वन जब कॉल पे कनेक्ट करती हूँ, और जब मैं उनके डीएमआईटी रिपोर्ट्स जब मैं उनके सामने उनके साथ जब काउंसलिंग करती हूँ, वो हमेशा इतने क्यूरियसली मुझे पूछते हैं कि खुशी तुम्हें पता कैसे चला, जबकि मैंने तो ये बात तुम्हें पता ही नहीं थी कि मेरी पर्सनालिटी में ऐसा है. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज हाउ आई कम टू नो, बिकॉज आपके फिंगरप्रिंट्स के थ्रू मुझे ये पता चला है. सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आर देयर अवेलेबल, एंड डेफिनेटली इफ यू चेक माई टेस्टिमोनियल्स ऑल्सो, तो मेरे क्लाइंट्स भी यही कहेंगे कि यस, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट जो आपको पूरे पर्सनालिटी के बारे में आपको बताता है. ओके, इंटरेस्टिंग. सो लेकिन हम डीएमआईटी क्यों करवाएं, मतलब किस किस की हेल्प कर सकता है, जैसे बच्चों की हेल्प कर सकता है या हमारी भी हेल्प कर सकता है? अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की किस तरीके से हेल्प कर सकता है अगर हम उनकी ब्रेन मैपिंग करवाते हैं? तो एक्चुअली क्या है ना मैत्री, ये जब हम ब्रेन मैपिंग करवाते हैं ये हर स्टेज पे बच्चों को हेल्प करता है. जैसे कि आज आप छोटे बच्चे हैं, आप हमेशा देखते होंगे कि पेरेंट्स एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास, हमेशा बच्चों को ऑक्यूपाइड करने की कोशिश करते हैं. यार मेरे बच्चे को सिंगिंग भी आनी चाहिए, मेरे बच्चे को डांसिंग भी आनी चाहिए, मेरा बच्चा कोडिंग क्यों नहीं कर रहा है, व्हाई इज इन माई चाइल्ड गुड इन चेस. मगर नॉट नेसेसरी कि आपके बच्चे को हर क्लास में यू नो एडमिशन कराना जरूरी नहीं है. सो वंस यू गेट द डीएमआईटी टेस्ट डन, आप बहुत ही वाइजली उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बेसिस पे जो बच्चे का पर्सनालिटी है, और ये रिपोर्ट में एक खासियत कैसी है ना कि इसमें एक पेज के मायने नहीं है, द एंटायर रिपोर्ट एज अ होल इसके बहुत मायने हैं. सो जब आपको पूरे बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मुझे एक्चुअली मेरे बच्चे को तो ये क्लास में एक्चुअली डालूंगी तो शायद ज्यादा बेटर यू नो उसके ऊपर ये होगा, इम्पैक्ट होगा. अभी जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अपना एक एक्सपीरियंस में अपने जो लिसनर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, तो मेरे साथ क्या था, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी जो बेटी थी वो हमेशा स्पोर्ट्स में इंक्लाइन थी, और जो मेरा बड़ा बेटा था वो हमेशा सिंगिंग की ओर उसका ज्यादा, वो बहुत ही इंडोर चाइल्ड था. तो एज यू नो हमारी जो सोसाइटी है जनरली कहती है, अरे लड़का हो के तुम्हारा बेटा स्पोर्ट्स नहीं खेलता, यू नो इट्स ऑलवेज लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड आपकी बेटी है वो हमेशा, बेटी आपका जब देख तो शी इज आउटडोर. मैंने कहा यार देखो, इट इज आई नो कि एज अ बॉय इट इज नॉट नेसेसरी फर्स्टली कि आपके बच्चे को एज अ बॉय स्पोर्ट्स आना जरूरी है. तो मैं इसके बहुत ही, आई वॉज वेरी फर्म ऑन दिस, और मैंने मेरे बच्चों का सपोर्ट करते हुए सबको कहा कि नहीं, My child, I know his inclination, और मैं जानती हूँ कि उसका कहाँ पर उसके इंस्ट्रेंस है, and let me work on it my way. एंड जहां तक मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस जैसे मैं शेयर कर रही हूँ, तो मेरी बेटी जो है शी इज ऑलरेडी शी इज प्लेड ऑन एन इंटरनेशनल लेवल जिमनास्टिक में, शी हैज रिप्रेजेंटेड आवर कंट्री, आई कैन वेरी प्राउडली से दैट. एंड माय सन एक्चुअली थ्रू हिज सिंगिंग ट्रेट्स, थ्रू हिज सिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथ्स, जो कि हमारे दूर दूर के खानदान तक कोई भी सिंगर नहीं था मैत्री, तो ही एक्चुअली बिकेम, ना ही मेरे मॉम के साइड से ना ही मेरे हस्बैंड के साइड से, नोबडी. एंड ही वॉज एक्चुअली विद इन टू इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, वो एक्चुअली एक मराठी चैनल के देयर इज दिस चैनल, वो वहां पर उसने स्टेज पर खड़े होके वहां पर गीत गाया है. सो आई कैन वेरी प्राउडली से दैट कि यू कैन चूज क्लासेस वेरी वाइजली फॉर योर चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ्स एंड देयर पर्सनैलिटी. इट्स नॉट जस्ट द रिपोर्ट, पर जैसे मैंने कहा पर्सनैलिटी भी बहुत मायने रखती है इस रिपोर्ट्स में. ओके, देन अगर बच्चे थोड़े और जब बड़े होते हैं, तो आजकल स्कूल्स भी अगर आप देखें तो काफी सारा सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है स्कूल में. सो ये जो रिपोर्ट है वो वेरी वाइजली आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करता है. ओके, देन थर्डली जब आपका करियर सिलेक्शन होता है बच्चों का, व्हेन द किड्स आर 14 प्लस एज के कैटेगरी में आ जाते हैं, टीनएजर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, यू कैन चूज योर करियर वेरी वेरी वाइजली थ्रू दिस रिपोर्ट. राइट, सो इट्स नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन एक्चुअली, इवन फॉर पेरेंट्स. अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक्चुअली पूरी फैमिली को एज अ यूनिट बॉन्ड करने के लिए ये रिपोर्ट बहुत काम में आती है. बिकॉज आपने ये भी कई बार देखा होगा यू नो मैत्री की बच्चे कई बार सोचते हैं यार मेरी मम्मा आके मुझे हग भी नहीं करती, यू नो. एंड कई बार माँ के मन में चलता होगा कि यार मेरा बच्चा पता नहीं क्यों आके मुझे आई लव यू नहीं कहता, शायद उनसे वो प्यार नहीं करता. लेकिन अगर आप सबकी पर्सनालिटी अगर एक घर में रहकर अगर आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हो, और तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. सो मे बी द चाइल्ड इज मोर ऑफ अ काइनेस्थेटिक काइंड ऑफ अ चाइल्ड.
जहां पर उसे एक माँ का प्यार, एक टच जो होता है माँ का, वो शायद उसे वो मिस करता होगा. एंड इफ द मॉम इज मोर ऑफ ऑडिटरी तो शायद इसीलिए वो यू नो मिस करते होगी, यार मेरी माँ, मेरा बच्चा आके क्यों मुझे आई लव यू नहीं कहता. सो ये रिपोर्ट जो है वो उसमें बहुत सारा हेल्प करता है टू फॉर एंटायर फैमिली टू वर्क एंड बॉन्ड एज अ कंप्लीट यूनिट. एंड इसके अलावा इनफैक्ट काफी सारे कॉर्पोरेट्स में, अगर उनके अब देखोगे जो एम्प्लॉई है उनके भी आप जो इस रिपोर्ट्स के द्वारा उनको आप सही सेक्शन में अपनी कंपनी में आप उनको प्लेस कर सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन, इट्स बेसिकली फॉर एनीबॉडी एट एनी एज दे कैन गेट दिस टेस्ट डन फॉर देमसेल्व्स एज वेल. आज काफी सारे होमप्रिनर्स हैं, दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड अबाउट देमसेल्व्स, यू नो कि आज मैं अपने करियर में ये स्टेज पे आके मैं क्या कर सकती हूँ. तो मेरे पास ऐसे भी कई सारे क्लाइंट्स हैं, मम्मीज हैं जो आई हुई हैं कि यार खुशी प्लीज हमें एक रास्ता बताओ कि यू नो हम क्या कर सकते हैं हमारे साथ एट दिस एज. तो जब मैंने उन्हें DMIT के थ्रू उन्हें गाइड किया तब उन्हें ये रिपोर्ट्स काफी उन्हें मदद करी उनको अपने यू नो उनके प्लेसमेंट्स में एंड जॉब वर्क में. ओके, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस समझ में आ जाती हैं बेसिकली. हाँ जी, इट्स अ कंप्लीट टेस्ट जहाँ पर आपका कंप्लीट पर्सनालिटी है, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, आपका गोल मैनेजमेंट कैसा है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं, आपकी IQ पैरामीटर्स कैसे हैं, लर्निंग स्टाइल क्या है आपका, बिहेवियरल पैटर्न क्या है, सब कुछ ये टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है. ओके, अगर बच्चों की बात करें तो जैसे आप बोल रहे हैं कि इसके थ्रू हम बच्चों का जो पर्सनालिटी ट्रेट है उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ क्लास शुड दे ज्वाइन और मे बी व्हाट सब्जेक्ट शुड दे स्टडी. बट मान लीजिए उसमें आ रहा है कि ये बच्चा इज मोर सुटेबल फॉर कॉमर्स बट उस बच्चे का इंटरेस्ट है बायो पढ़ने में, मे बी शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर. ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमें बच्चों को डिसाइड करने देना चाहिए आई बिलीव. Yes, definitely. I agree with you completely on that, Maitri. जैसे मैंने कहा ये at birth situation reports होती हैं. So definitely आपको एक guideline तो मिलती है कि अगर बच्चे को का inclination जो है, उसका जो interest है, वो अगर bio की तरफ है या science की तरफ है, though the report is showing commerce, लेकिन जैसे मैंने कहा ये report as a complete whole बहुत ही मायने रखता है. So again उसका 10 multiple intelligence कैसा है, उसका learning style कैसा है, उसको किस तरह से grooming and उसका जो exposure है school में या फिर you know surrounding में friends के साथ, किस तरह से यू नो क्या क्या क्लासेस बच्चे ने किया है, उसका इंक्लिनेशन किस तरह से है, वो सारा कुछ अगर आप जान लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गाइड द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन एंड चैनलाइज हिज एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन. सो यस, डेफिनेटली इट गिव्स यू अ गाइडलाइन फॉर श्योर. ओके, लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज में है तो मतलब बच्चा कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो उसमें आया है वही करो. नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट. तो ऐसा नहीं है कि जो आया है रिपोर्ट में आपको वो ही कराना है. जैसे मैंने कहा ये गाइडलाइन रिपोर्ट है, इट्स अ साइंटिफिक टूल जो आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि आपको तीन और चीजें आपके बच्चे के बारे में पता चल सकती हैं इस रिपोर्ट के थ्रू. तो जैसे हम API कहते हैं, यू नो द एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी एंड द इंटरेस्ट ऑन द होल एक्चुअली डिसाइड्स द चाइल्ड्स करियर. So it's not just a report for sure, it is definitely the child's interest and personality traits also which definitely has an importance in this. ओके, सो मैंने गूगल पे थोड़ी सी रिसर्च करी थी DMIT के बारे में, तो इसमें ये आया कि जो टेस्ट है इट कम्स विद अप टू 95% एक्यूरेसी, ये आया इसमें. बट मैंने ये भी पढ़ा कि इसके ने सेयर्स भी काफी हैं. इंडिया में कोई सोसाइटी है तो उनकी तरफ से ये आया कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक एविडेंस एंड मतलब इसका जो भी रिपोर्ट है वो ऐसा कोई बेसिकली ये बोला जाए कि दे सिंपली से कि ब्रेन लोब जो है और वो नहीं फ्यूचर का बिहेवियर है वो बता सकती है, हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि जो ब्रेन है वो डेवलप होता रहता है ओवर टाइम. तो और इस तरीके की रिपोर्ट्स मैंने कई जगह पढ़ी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सो यस मैत्री, मैं इसे गलत नहीं कहूंगी, डेफिनेटली यस. बीच में एक थोड़ा सा ये रेज आया था कि डर्माटोग्लाइफिक्स इज नॉट अ वेरी वेरी साइंटिफिक रिपोर्ट एंड नॉट साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो, लेकिन इट इज अगेन जस्ट अ मिथ बिकॉज जो ये है लर्निंग, तो देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है, राइट? ये तो कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं रहती है. सो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं वैसे हमारी पर्सनालिटी भी इवॉल्व होती है. एंड जैसे मैंने आपको बताया लाइक यू नो फिंगरप्रिंट्स एंड ब्रेन जो है वो साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं. एंड ये जो रिपोर्ट है जैसे आपने कहा 95% तक अगर सच है, जैसे आपने भी रिसर्च करी है, देन आई थिंक इट विल नॉट बी राइटली सेड कि इट इज अ रॉन्ग प्रूवन टेस्ट. एंड ये डेफिनेटली जो फ्यूचर का एविडेंस है, जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इट्स अ साइंटिफिक टूल बेसिकली टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स एंटायर पर्सनैलिटी. सो दिस इज व्हाट आई विल जस्ट से, बट इट इज नॉट, इट विल, आई विल से कि ये एक बहुत ही गलत मिथ जो है जो हवा चल रही है. बट डर्माटोग्लाइफिक्स इज अ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट. ओके, और इसको कैसे किया जाता है?
इट इज डन थ्रू द फिंगर टिप्स. तो जैसे मेरे पास एक स्कैनर है एंड स्कैनर के थ्रू मैं फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करती हूँ. एंड फिंगरप्रिंट्स के काफी सारे डिफरेंट प्रिंट्स होते हैं एक्चुअली. अगर आप बहुत क्लोजली देखोगे तो एक अलग अलग तरीके की डिजाइंस होती हैं इनमें. सो जैसे ये कहा मैंने कि या सिर्फ एक या दो फिंगर्स पे नहीं लेकिन एक कंप्लीट टेस्ट है जो 10 फिंगर्स की हमें जरूरत पड़ती है. सो दिस इज अ 10 फिंगरप्रिंट्स की एक टेस्ट है जो स्कैनर के थ्रू हम फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करके उसकी रिपोर्ट जो है मैं तैयार करके और डिटेल काउंसलिंग करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ. एंड अगर आप मेरे पेजेस पे जाकर देखेंगे तो आपको कई सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जो ये कहते हैं कि नहीं ये रिपोर्ट्स ने उन्हें काफी हेल्प करी है अपने बच्चों को बेहतर समझने में. ओके लेकिन मैं तो जयपुर में रहती हूँ, आप मुंबई में रहते हो, अगर मुझे कराना हो तो फिर मुझे क्या मुंबई आना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं. एक्चुअली ये अभी ऑल अक्रॉस द ग्लोब मैंने इसका एक छोटा सा सीक्रेट फॉर्मूला निकाला है. तो लिसनर जो है अगर आपको इस ये सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में जानना है कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स किस तरह से मुझे भेज सकते हैं तो यू विल हैव टू कनेक्ट विद मी पर्सनली ऑन माय सोशल मीडिया पेजेस. सो फ्रॉम योर होम फ्रॉम जयपुर एज वेल. ओके ओके तो खुशी आप जो आपने बताया ब्रेन मैपिंग करते हो, इसके सिवा यू आर आल्सो अ पेरेंट एजुकेटर, इसमें आप क्या क्या करते हो? तो एज अ पेरेंट एजुकेटर एक्चुअली या स्मॉल ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ एक्चुअली. तो मैं पेरेंटिंग वेबिनार्स भी लेती हूँ कई सारे टॉपिक्स को लेके जैसे कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस है. कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि लेकिन खुशी वी डोंट नो कि हम लोग मैनेज कैसे करें अपना टाइम जो है हमारे, हमें तो 24 आवर्स भी मतलब एक दिन के बहुत कम लगते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं उन्हें काफी सारा मतलब जो मेरे ये है सेशंस होते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर मैं काफी सारा सेशंस देती हूँ. अफर्मेशंस, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है अफर्मेशंस को लेके. पॉजिटिव पेरेंटिंग जो हम कहते हैं, जो जॉयफुल पेरेंटिंग है, मैं उसके ऊपर काफी सारा वेबिनार्स लेती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बच्चों के थोड़े बहुत एक्टिविटी जो क्लासेस हैं वो करती हूँ, सेशंस लेती हूँ ताकि वो मैं एक सही तरीके से बच्चों को एंगेज कर सकूं उनके पूरे दिन में. एंड मेरे काफी सारे मतलब एसोसिएशंस रहे हैं स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में मैं एज अ गेस्ट स्पीकर आई वाज इनवाइटेड. काफी सारे इवेंट्स हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ मेरा एसोसिएशन रहा है. इनफैक्ट मेरे DMIT के आर्टिकल्स भी ई मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं. एंड मैं प्रगत महाराष्ट्र न्यूज चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू लिया गया हुआ है फॉर DMIT. सो दिस इज व्हाट आई डू एक्चुअली. एंड मेरा एक छोटा सा मिशन है मैत्री, मेरा मिशन है कि मैं ये जो हंसी है जो हैप्पीनेस जो है मेरी खुशी वो मैं हर फैमिली में स्प्रेड करती रहूं. सो आई एम ऑन एक्चुअली अ मिशन टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन एवरीवन्स लाइफ. दिस इज व्हाट माय मिशन इज. वाओ व्हाट अ मिशन. थैंक यू फॉर बीइंग सो जो बोलते हैं ना फिलैंथ्रोपिक. इतना अच्छा सा मिशन जो आप लेकर आए हो तो इट इज वेरी नाइस ऑफ यू. और खुशी अगर लोग पॉडकास्ट जो लिसनर्स होंगे एंड अगर उनके लाइफ में मैं थोड़ा सा भी अगर स्माइल ला सकूं इसके थ्रू देन आई विल बी रियली ब्लेस्ड. हाँ मुझे भी यही लगता है कि अगर इस एपिसोड को सुन के किसी एक भी बंदे का बंदी का बेनिफिट होता है या उनके बच्चों का बेनिफिट होता है किसी का भी, तो एक भी एपिसोड से अगर एक भी लोग का बेनिफिट होता है ना तो लगता है कि हाँ जो भी हम कर रहे हैं वो यूजफुल है, किसी के लिए तो यूजफुल है. Absolutely, I agree. Right. So, खुशी अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें ऑनलाइन आपके वर्क के बारे में और जानना चाहें तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद यू? So the best way is my social media handles. Actually, मैं Instagram पे काफी active हूँ by the name of Khushi_soulfulparenting. मेरा Facebook page भी है which is on the name of Khushi.Hinduja. And definitely मैं Messenger पे हूँ, Facebook Messenger पे हूँ. So these are my social media handles and you can very well connect with me. I'm quite approachable. Okay, thank you, Khushi. It was wonderful chatting with you and finding out about this brain mapping thing. और जो आपने हमारी confusion clear किए, तो I'm sure कि लोग चाहेंगे कि हाँ अच्छा ये थोड़ा सा intriguing लग रहा है, चलो पता करते हैं कि आगे ये क्या होता है brain mapping के बारे में. So thank you so much for spreading your knowledge, for sharing your knowledge. Thank you so much, Maitri, for this opportunity once again. Thank you. I hope कि आपको कुछ समझ में आया होगा DMIT के बारे में कि आपको करवाना है या नहीं करवाना है. When Khushi reached out to me कि she wants to talk about DMIT on my podcast, तब मुझे लगा कि अच्छा ये कुछ नया है, चलो बात करते हैं. अगर आपको लगा है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कवर करना चाहते हैं तो आप खुशी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा गूगल रिसर्च कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं इसके बारे में. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड. और अगर आपको लगता है कि किसी और पेरेंट को भी ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की और वो अपने बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, दे वॉन्ट मोर क्लैरिटी,
उनको प्लीज इस एपिसोड के बारे में बताइए। आप अगर 3 पेरेंट्स को भी बताएंगे तो बहुत हेल्प होगी पेरेंट्स की भी और हमारी पॉडकास्ट की भी। और आप लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को अपने फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट पे हो या फिर आप गाना या जियोसॉन पे हो, कहीं भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप @littlefixespodcast पे फॉलो भी कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट देयर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि आप अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी ऑलरेडी पॉडकास्ट है, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि पॉडकास्ट करूं भी कि नहीं करूं, पर करूं तो क्यों करूं, तो इन सारी बातों का सलूशन जानने के लिए आप हमारी कम्युनिटी पॉडकास्ट गोल्स ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, वहां पे आपको थोड़ी स्नीक पीक मिलेगी कि आखिर हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। तो मे बी आप पहले पेजेस को फॉलो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ कम्युनिटी में कुछ वैल्यू है आपके लिए, कुछ इंटरेस्टिंग है, तो डू ज्वाइन द कम्युनिटी ऑन फेसबुक। सारे लिंक्स मैंने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में और अपने शो नोट्स में भी डाल दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे को, तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो। बाय।